आज फिर बीजेपी के गुंडों ने राहुल गांधी के काफिले पर हमला कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं, हमला कराने तक की घटिया हरकतों पर उतर आए हैं। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। आज जब हमारा काफिला असम में रैली स्थल की ओर जा रहा था, तभी जुमगुरी हाट में हिमंता बिस्वा सरमा के गुंडों ने कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के कैमरामैन और अन्य सदस्यों पर हमला कर दिया। इन गुंडों के हाथ में बीजेपी का झंडा था। साफ है कि ये घटना सीधे तौर पर असम के मुख्यमंत्री के इशारों पर की गई है। गुंडों ने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्टिकर फाड़ दिया, गाड़ी पर पानी फेंका। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रही सफलता ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। वो डरे और घबराए हुए हैं, यही वजह है कि इस तरह की कायराना हरकत पर उतर आए हैं। सुन लो हिमंता, ये गीदड़ हरकतें करनी और करवानी छोड़ दो। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को तुम और तुम्हारे गुंडे नहीं रोक सकते। तुम कायर हो और ये इसकी एक मिसाल है। हम न्याय के योद्धा हैं और ये हरकतें हमारे हौसलों को और बुलंद करती हैं। न्याय के लिए ये महासंग्राम नहीं थमेगा, हम नहीं रुकेंगे न्याय का हक मिलने तक।